नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हो हैं, कि दिल्ली पुलिस में जो आपके लिए वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, वो 15,000 आने वाली हैं। तो ये तो खैर दोस्तों पक्की खबर है कि ये 15,000 वैकेंसी ओपन होंगी, लेकिन ये काफ़ी दिन से आप सभी लोग सुन रहे हो कि काफ़ी दिन से चर्चा बना हुआ है ये विषय कि 15,000 वैकेंसी जो है वो आपके लिए आनी है, लेकिन दोस्तों अभी तक आपके लिए शो नहीं की गई हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत जल्द ही आ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियली साइट पर। अभी अभी 4,696 वैकेंसी जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं, उसके बाद में दोस्तों अब 15,000 और कराने की फ़िराक में है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पर सर्च करना है आपको दिल्ली पुलिस अपकमिंग जॉब्स, और इसे आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद में जो ऊपर आपको फर्स्ट नंबर पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे, आपको आना है नीचे, तो आपको थोड़ा नीचे और आना है। ये देखिए, यहाँ से आपको ये चीज़ पढ़नी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2019 अप्लाई ऑनलाइन, न्यू दिल्ली पुलिस SI रिक्वायरमेंट 2019 एंड दिल्ली पुलिस ASI रिक्वायरमेंट 2019 आर प्रीवियसली इशूड बाई, जो 4,669 पोस्ट थी यानी 4,669 पोस्ट फॉर मैन एज वेल एज वुमेन। फाइनली नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोर्सेस इन दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, रिलीज मोर देन 15,000 कॉन्स्टेबल वैकेंसीज। तो दोस्तों ये जल्द ही, बहुत जल्दी ही आपके निकालने वाले हैं, और वो 4,669 जो थी वो कंप्लीट करा चुके हैं। तो गेट दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल वैकेंसीज ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों, ये जल्द ही जारी कर दिया जाएगा इसके लिए। तो जो आप सुन रहे हो सोशल मीडिया पर, ये भर्ती जो विषय बनी हुई है दोस्तों, ये बिल्कुल सही सुन रहे हो, 15,000 वैकेंसी आपके लिए आनी है, और ये शायद आपके लिए जुलाई तक संभव है कि जुलाई तक दोस्तों आ जाएं, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहा है, तो अभी तो ये आनी नहीं है। तो ये आपके लिए आ सकती हैं चुनाव के बाद में, 15,000 वैकेंसी आपको दिल्ली पुलिस में देखने के लिए मिल सकती हैं। और दोस्तों इसमें जनरल के जो लिए जो उम्र रखी गई है वो 18 से 24 रखी गई है, यानी 18 से जो 24 उम्र के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए मौका बन सकता है। तो ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और जो अन्य कैटेगरी है दोस्तों, OBC के लिए 18 से 28 के समथिंग उम्र है, और SC और ST के लिए दोस्तों, इनके लिए 18 से 30 उम्र है। इसमें ये सारी उम्र दोस्तों रखी गई है, जनरल के लिए 2 साल बढ़ा दी गई है, इसमें 18 से 24 के व्यक्तियों को दोस्तों मौका इसमें मिलेगा।